Hi guys, welcome to my channel, The Shubhi Tips. Hope you all are doing well guys. आज का वीडियो होने वाला है एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रीम के बारे में. गाइज ये कैसी क्रीम है जो मुझे अच्छा खासा समय हो गया है यूज़ करते हुए एंड आज आपके लिए इसका ही रिव्यू लेके आई हूँ. गाइज अब स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अब स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. सो गाइज आज जिस क्रीम के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है ये है AHA स्किन ब्राइटनिंग क्रीम. गाइज एक रेजुनेटिंग क्रीम है साथ में आयुर्वेदिक क्रीम है. गाइज जैसे कि नाम आयुर्वेदिक क्रीम आप समझ जाओ बिल्कुल सेफ है आपकी स्किन के लिए. इसमें किसी भी तरह के ना कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं यूज़ किए गए हैं. कोई भी पैराबिन सिलिकॉन मिनरल ऑयल सिंथेटिक फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है आपके लिए. नहीं देख सकते हो कितना बड़ा नो लिखा हुआ है इन सब चीज़ों के आगे. तो बिल्कुल सेफ है आपकी स्किन के लिए. डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है. गाइज मैं बात करूँ प्राइस की तो आपको ये जो प्रोडक्ट है ये 399 रुपीज़ में क्रीम मिल जाएगी. आपको 50 ग्राम क्वांटिटी मिल जाती है. शेल्फ लाइफ की बात करें तो आपको 36 मंथ्स की शेल्फ लाइफ मिल जाएगी. गाइज अगर मैं बात करूँ इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स की ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं. इसमें सेफ्रन है, इसमें एलोवेरा है, साथ ही में इसमें लेमन आलमंड ऑयल है एंड इसमें टी ट्री ऑयल भी यूज़ किया गया है. तो ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. साथ ही में गाइज इसमें SPF 30 है तो आप इसे एज अ डे क्रीम यूज़ कर सकते हो. मैं अपना बताऊँ ना गाइज तो अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. ऐसे बहुत ज़्यादा सन के कांटेक्ट में जब नहीं जाना होता ना तो मैं घर पर इसी को यूज़ करती हूँ एंड आई एम सॉरी मुझे अलग से कोई सनस्क्रीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. गाइज ये एक ब्राइटनिंग क्रीम है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन पे काम करती है. आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है. आपकी स्किन को हेल्दी रखती है, प्लम्प रखती है. साथ ही में गाइज ये आप एंटी टैनिंग क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज टैनिंग पर भी काम करती है ये क्रीम. गाइज एक तरह से ना जो आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना उसको बहुत अच्छे से रिमूव करती है. लाइक पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करती है मैंने ये नोटिस किया है एंड ओवरऑल एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है. गाइज इस पे लिखा हुआ भी है दैट दिस इज़ द आयुर्वेदिक क्रीम फॉर ग्लोइंग स्किन एंड हेल्प्स टू क्योर द प्रिवेलिंग प्रॉब्लम ऑफ टैनिंग विदाउट एनी साइड इफेक्ट एज इट इज़ नेचुरल एंड सेफ. तो गाइज जैसे कि मैंने बताया नेचुरल एंड सेफ तो बिल्कुल है ही ये क्रीम. साथ ही में गाइज ये सूट करती है आपकी स्किन को एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी स्किन को प्रिवेंट करते हैं किसी भी तरह की इचिंग इरिटेशन से एंड आपकी स्किन को स्मूथ बनाते हैं, ग्लोइंग इफेक्ट देते हैं. साथ ही गाइज ये क्रीम आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाती है. अगर मैं बात करूँ पैकेजिंग की तो इस तरह की पैकेजिंग है. गाइज आउटर पैकेजिंग बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है. आप देख सकते हो गोल्डन कलर की पैकेजिंग में आती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इनर पैकेजिंग इस तरह की है. गाइज काफ़ी एक ट्यूब पैकेजिंग है तो कन्वीनियंट रहता है यूज़ करना, ट्रैवल फ्रेंडली है एंड इस तरह का इसका टेक्सचर है. काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग क्रीम है. मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जो यूजुअली ऐसे ब्राइटनिंग क्रीम्स होती है ना वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन पे ऐसे बैठे रहती हैं तो आप डे टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते हो. बट इसके साथ ना ऐसा नहीं है, आप इसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो बिकॉज बहुत ईजिली ही ये स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है. मैं भी आपको इसको फेस पर भी लगा कर दिखाऊंगी बट आप देखो कितनी ईजिली स्किन में अब्जॉर्ब हुई है. तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, बहुत ईजिली स्किन में अब्जॉर्ब होती है. टेक्स्चर वाइज मुझे बहुत पसंद आई ये क्रीम. तो गाइज आप इसकी अच्छी सी एक क्वान्टिटी लो एंड डॉटेड फॉर्म में पहले अपने स्किन पे अप्लाई कर लो एंड देन ईजली आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगी. ऐसे रगड़ना नहीं होता अपने फेस को, ऐसे डैप कर करके ही अब्सॉर्ब कराना. वैसे भी इसके साथ तो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ती है. तो आप देखो कितनी जल्दी स्किन में अब्सॉर्ब हुई है. काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेक्सचर है एंड इसमें कोई भी आपको ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं आएगी. माइल्ड सी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत ज़्यादा प्यारी है वो फ्रेग्रेंस भी. गाइज अगर मैं बात करूँ इसकी परचेजिंग लिंक्स की तो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप बहुत ईजिली इसको परचेज कर सकते हो. आपको सारे डायरेक्ट लिंक्स दे दूँगी लाइक अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के, तो आपको ईजिली ये मिल जाएगी. बाकी कोई क्वेरी हो इस क्रीम को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड ओवरऑल मुझे ये क्रीम बहुत पसंद है तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना. सो यस गाइस मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में. आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी क्रीम है एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. टिल देन बाय बाय.